हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ही अपना एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र कैसे बना सकते हैं। दोस्तों हम कहीं भी किसी सरकारी संस्थान में जाते हैं, अगर मुझे अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो तो हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि जाइए आप तहसील से एफिडेविट लाइए। अगर आपको अपने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, किसी भी मार्कशीट पे आपका नाम गलत हो गया है उसे सही कराना हो तब भी आपसे मांगा जाता है कि एफिडेविट बनवा के लाइए। मतलब किसी भी सरकारी संस्थान में आप जाते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी त्रुटि है आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में या आपको कुछ भी नया बनवाना है तो वहां पे आपसे एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र मांगा जाता है। यहां तक कि दोस्तों अब अगर आपको आधार कार्ड में भी कुछ भी चेंजेस कराना है तो वहां पे भी एफिडेविट मांगा जा रहा है। तो दोस्तों वो एफिडेविट के लिए काफी लोग परेशान होते हैं। आप जाते हैं तहसील में, अपने कचहरी में, और काफी परेशानी से आप वो एफिडेविट बनवाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पूरा ऑनलाइन प्रोसेस बताऊंगा आप कैसे घर बैठे ही अपने एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र को बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में किसी भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करना है और दोस्तों आपको सर्च करना है लाभार्थी.in। दोस्तों लाभार्थी.in सर्च करते ही यहां पे सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो आपको अपना जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल है आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। उसके बाद से दोस्तों यहां पे आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही दोस्तों यहां पे आप शाइनिंग शाइन अप का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। शाइनिन साइन अप पे क्लिक करते ही दोस्तों यहां पे आपको आईडी और फोन नंबर और पासवर्ड के थ्रू जो है आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, और दोस्तों यहां पे आपको लॉगिन विथ एक ओटीपी का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहां पे लॉगिन विथ ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके नंबर पे ओटीपी सेंड हो जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे भर के आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपके नंबर पे ओटीपी नहीं पहुंचा है तो यहाँ पे ये टाइमर जो है जीरो होते ही यहाँ पे रीसेंड का ऑप्शन जो है इनेबल हो जाएगा, आपको यहाँ पे रीसेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोबारा से भी आप अपने ओटीपी को भेज सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको सर्विस पे क्लिक करना है। सर्विस पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहां पे आपको लीगल सर्विस पे क्लिक करना है। लीगल सर्विस पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं आपको एफिडेविट्स का ऑप्शन मिल रहा है, आपको एफिडेविट्स पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहां पे अगर आपको नाम चेंज का अगर आपको एफिडेविट बनवाना है तो आपको इस पे करना है क्लिक। अगर आपको गैप इन एजुकेशन, आपके पढ़ाई में गैप हो गया है, अगर वहां पे मांगा जा रहा है तो उसके लिए आपको यहां पे क्लिक करना है। अगर आपको इनकम प्रूफ में मांगा गया है तो यहां पे करना है। किसी भी प्रकार का आपको अगर डिक्लेरेशन मांगा गया है क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि दोस्तों अभी हम एक क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए डिक्लेरेशन के लिए एफिडेविट बनवा रहे हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहां पे जेंडर पूछा जा रहा है, तो जो भी जेंडर एप्लीकेबल है जिसका भी आप बना रहे हैं जेंडर पे क्लिक करेंगे। यहां पे एज दिया हुआ है किस एज के व्यक्ति का आप ये बना रहे हैं, तो यहां पे आपको वो एज सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद से यहां पे आप दिखा रहा है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यहां पे किसी भी प्रकार का आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको प्रोसेड टू अप्लाई पे क्लिक कर देना है। प्रोसेड टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहां पे फुल नेम टाइप करना है, यहां पे फादर का नाम टाइप कर देना है जिस भी व्यक्ति का बनाया जा रहा है। उसके बाद से यहां पे दिया हुआ है एज इन ईयर, कितने साल के वो व्यक्ति हैं जिनका ये बनाया जा रहा है यहां पे ईयर में वो टाइप कर देना है। उसके बाद से यहां पे मकान संख्या टाइप करना है, यहां पे पोस्ट ऑफिस टाइप कर देना है, यहां पे विलेज या टाउन या सिटी का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद से यहां पे जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद से उस एरिया का जो भी पिन कोड होगा वो पिन कोड यहां पे टाइप करना है। उसके बाद से यहां पे दिया हुआ है फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रेजिडेंट एट द प्रेजेंट एड्रेस इन ईयर, आप जहां पे रह रहे हैं कितने सालों से रह रहे हैं यहां पे वो आप साल में टाइप कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों यहां पे दिया हुआ है सेलेक्ट द रीजन पर्पज ऑफ मेकिंग दिस एफिडेविट्स, तो दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे आप पासपोर्ट में लगाना चाहते हैं, एडमिशन में लगाना चाहते हैं, जॉब
में लगाना चाहते हैं या इलेक्शन नॉमिनेशन में लगाना चाहते हैं या इसमें से कोई आपका रीजन नहीं है, अदर है, तो आप अदर भी क्लिक करके, अब दोस्तों यहां पे अदर सेलेक्ट करने के बाद से जो भी आपका रीजन है, आपका अदर जो भी रीजन है वो आप रीजन यहां पे टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद से दोस्तों यहां पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहां पे आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना है और दोस्तों यहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको इस वाले बॉक्स में चेक करना है, इस कैप्चा कोड को यहां पे भर के और आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहां पे आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी जो भी एफिडेविट पे यहां पे प्रिंट होके आएगा। यहां पे अब आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ भी करेक्शन करना है तो आप एडिट पे क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे आ गया है थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू, योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। यहां पे डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अभी दोस्तों हमने जो फॉर्म सबमिट किया है वो फाइनली सबमिट हो गया है। अब दोस्तों यहां पे हम प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो अभी ये प्रोसेस नहीं हुआ है। यहां पे आप अप्लाइड पे क्लिक करेंगे तो यहां पे स्टेटस आप देख सकते हैं, ये अंडर प्रोसेसिंग है। दोस्तों यहां पे ये वेरिफिकेशन हो जाने के बाद से यहां पे ऑटोमेटिक ये प्रोसेस में आ जाता है और प्रोसेस में आने के बाद से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी हमारी पसंद आएगी, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।